रेव पार्टी और सांपों के जहर की सप्लाई का ये पूरा मामला है, जिसके अंदर यूट्यूबर एल्विश यादव इस समय घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विश ने बताया कि सांपों का अरेंजमेंट बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया अपनी शूटिंग के लिए करता था। यानी सांपों का जहर कहां से आता था, सांप कहां से आते थे, जो सवाल थे, इनके जवाब में एल्विश यादव की तरफ से नोएडा पुलिस को बताया गया है कि दरअसल बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया अपनी शूटिंग के लिए सांपों का अरेंजमेंट करता था, सांपों की सप्लाई की जाती थी और फाजिल पुरिया ही सांप जुटाता था। तो मंगलवार को एल्विश यादव से पूछताछ हुई थी और पूछताछ के अंदर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नोएडा रेव पार्टी के पूरे मामले के अंदर जैसे तमाम सबूत और सराग जोड़ने की कोशिश चल रही है, तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए इस नेटवर्क के खुलासे की कोशिश में पुलिस और एजेंसियां लगी हुई कि आखिर इन रेव पार्टियों में सांपों का जहर आखिर कहां से सप्लाई किया जाता था, सांप कहां से आते थे और खासतौर पर ऐसे सांप जो प्रतिबंधित श्रेणी के अंदर आते हैं उनको पार्टियों में आखिर कैसे ले जाया जाता था। और इस खबर पर जानकारी के लिए ज्यादा जानकारी के लिए इसी देर रुक करते हैं। मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, ये पूरा मामला जो है ये काफी उलझता चला जा रहा है, सांप भी है, सिनेमा भी है और साजिश भी है। देखिए निश्चित तौर पर प्रणय, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम नई चीज़ें सामने आ रही हैं। एल्विस के बाद अब जो नया नाम सामने आया है, सिंगर फजल पुरिया का नाम सामने आया। दरअसल एल्विस यादव ने भी अपने स्टेटमेंट में ये साफ तौर पर बताया था कि फजल पुरिया का जो म्यूज़िक सूट था उस सूट में सांपों का अरेंजमेंट फजल पुरिया की तरफ से कराया गया था और वहाँ पर सांपों के साथ उसने तस्वीर ली और इस तस्वीर को बतौर वीडियो YouTube पर डाला गया जिसके कई व्यूज़ भी आए थे। और इसी के आधार पर जो शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हुई थी PFA के द्वारा कि एल्विस यादव किस तरीके से सांपों का उपयोग करते हैं, और उसके बाद ये पूरा मांजरा सामने आया, ये पूरी तस्वीर सामने आई कि कैसे सपेरों को बुलाया जाता था इन पार्टियों में, सपेरों को बिन पार्टी के जरिए बुलाया जाता था और ये सपेरे ही सांप लेके आते थे। लेकिन सांपों का जहर निकालना, उससे ड्रग्स का इस्तेमाल करना और रेव पार्टी में उसका इस्तेमाल करना, इन सब के पीछे आखिरकार एल्विस यादव है या फजल पुरिया है, ये तमाम नाम अब सामने आए। नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को मंगलवार देर रात को पूछताछ के लिए बुलाया था और लगभग 3 घंटे की पूछताछ में एल्विस यादव ने फजल पुरिया का नाम लिया कि फजल पुरिया की पार्टी में जहां पर म्यूजिक शूट होना था वहां पर ये गया था और उसके बाद सांपों के ताश वो तस्वीर खिंचवाई थी और वीडियो बनाया था। लेकिन फजल पुरिया इन सांपों को कहां से लाया था, ये एक जांच की अब अगली कड़ी हो गई है। इसलिए नोएडा पुलिस एक बार फिर से एल्विस यादव को पूछताछ में शामिल होने के लिए बोला, हालांकि कल ही एल्विस यादव को। राजू राज, जरा ये भी बताइएगा कि क्या फजल पुरिया से भी पूछताछ मुमकिन है? क्या आपके सूत्र बता रहे हैं कि फजल पुरिया को भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए? देखिए निश्चित तौर पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे फजल पुरिया का नाम सामने आया तो फजल पुरिया से आगे पूछताछ होगी। लेकिन नोएडा पुलिस की जो पहली कोशिश और प्राथमिकता है कि जिन 5 सपेरों में जिसमें से राहुल नाम का शख्स है जो इनके बीच कड़ी का काम करता था, इन 5 सपेरों को रिमांड लेने की तैयारी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर उनका रिमांड आज मिलता है तो एक बार फिर से एल्विस यादव को बुलाया जाएगा और उनके सामने तमाम वीडियोस तथ्यों को रखकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। और उसके पूछताछ में अगर फजल पुरिया का भी नाम सामने आता है, हालांकि एल्विस यादव बिल्कुल, राजू आप बने रहें।